नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद वैस और आप देख रहे हैं एनपीयू न्यूज। पिथौरागढ़ पुलिस ने घाट चौकी पर चेकिंग अभियान के दौरान अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ आ रही एक ऑल्टो कार को रोका। चेक किया तो वाहन में डैशबोर्ड में 17.2 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसके बाद कार सवार दोनों युवकों ने पूछताछ में बताया कि वो स्मैक को हल्द्वानी से खरीद कर पिथौरागढ़ बेचने के लिए ले जा रहे थे। एसपी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि दोनों युवकों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में कार्यवाही की गई है, साथ ही उनके द्वारा मैदानी क्षेत्रों से यहां लाई जा रही स्मैक सप्लाई करने वालों के बारे में भी सूचना मिली है। ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, चेकिंग के दौरान एक ऑल्टो कार में घाट बैरियर पे कार में जो है 17 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसमें दो कार सवार थे और दोनों अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और एनडीपीएस की धारा के अंतर्गत दोनों का रिमांड लिया गया है। देखिए, इसमें जो एक अभियुक्त है वो पहले भी एक बार एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत जेल जा चुका है और जांच में कुछ लोगों के नाम भी आए हैं जो कि बाहर से मैदानों से जो है यहाँ पे स्मैक सप्लाई कर रहे हैं, और हमारे द्वारा ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है और उनको भी गिरफ्तारी करने के प्रयास किए जा रहे हैं।